बीजेपी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल दोहरा कैरेक्टर। मणिपुर में बीजेपी ने सारी चीज कराई और बीजेपी कह रही है कि कानून और संविधान से ऊपर हो गई है ये भीड़ तंग। बिहार की जो स्थिति है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री को झूठ के लिए इतने बड़े गंदे 100 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं उसको जहर देने में क्या दिक्कत। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में लगातार महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने करारा हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बेगूसराय हो या छपरा हो या अररिया हो, तमाम जिलों में जो लगातार महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म से काफ़ी ज़्यादा बिहार में आक्रोश है और कहीं ना कहीं इसके लेकर के प्रशासन भी जिम्मेदार है। आइए सुनते हैं पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। एसटीएफ के तट पर महिलाओं की सुरक्षा मानव तस्करी से लेकर उसको लेकर के एसटीएफ का, उसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में कार्रवाई के लिए भी विशेष बल बनाने पर मेरा बहुत क्लियर है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अधिकतम 3 माह में अपराधियों को दंडित करने के लिए लक्ष्य त्वरित न्यायिक प्रक्रिया प्रावधान किया जाए। जिस जिले में एसपी महिलाओं के खिलाफ जघन अपराध सांप्रदायिक हिंसा के मामले में त्वरित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं कर पाते उन्हें 5 साल तक जिले में एसपी का दायित्व न दिया जाए। एक दिन में चीज़ें बदल जाएगी। जैसे बिहार में जो घटना घटित हुआ, बीजेपी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल दोहरा कैरेक्टर है। बीजेपी ने ही जिस तरीके से मणिपुर में बीजेपी ने सारी चीज़ कराई और बीजेपी कह रही है कि एक बहुसंख्यक कोई बच्ची को मार रहा है तो सरकार तो आपकी ही है, तो आपको जवाब देना है। सरकार तो आपकी है तो आप जवाब देंगे ना कि आपके रहते हुए बहुसंख्यक को कैसे, बच्ची को कैसे मार रहा है। आप पर इंक्वायरी होनी चाहिए और आपको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो बिहार में 5-6 घटना अभी इस कदर हुए हैं, जो बहुत बड़ा घटना है उसमें अभी मिट्ठू बच्ची जो 10 साल की बछवाड़ा में बलात्कार करके मार दिए गए हैं, जिंदा जला दिया और घर में दफना दिया। वह विक्रम सिंह और गुड्डू सिंह बछवाड़ा में जो वो चौथम वन जो गांव है उस चमथा एक जो गांव है वो मानव तस्करी भी करता है। मैंने ये बात आईजी साहब से भी कही है, डीआईजी साहब से भी कही है। उसी बेगूसराय में एक गरीब बच्ची को नग्न करके मारपीट किया और पूरा नंगा करके किया। कानून और संविधान से ऊपर हो गई है ये भीड़ तंग बिहार की जो स्थिति है। तीसरी चीज, उसी बेगूसराय में एक बच्ची एक सप्ताह से किडनैपिंग हुई हुई है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। एक सप्ताह से कोई सुनने वाला नहीं। कहता है थानेदार, कहते हैं मेरे पास तेल नहीं है तो मैं कहाँ खोजने जाऊँ। एसपी साहब से कई बार मिलने गए, बाप बेटा दोनों बलात्कार किया। पहले विक्रम सिंह ने बलात्कार किया 16 साल, 8 या 9 साल की बच्ची है और मात्र 20 मीटर ये और आगे पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। तो समाज मृत प्राय हो चुका है, अब समाज पर भरोसा नहीं है। कल ही हमसे 2 छोटी बच्ची आकर के बोली कि अंकल क्या हम लोग को माँ बाप कहता अब नहीं निकलना है, आपको स्कूल पढ़ने ट्यूशन नहीं जाना है, क्या हम लोग अब निकलने के लायक हैं। यह सवाल हमसे 2 बच्ची ने उस घटना के बाद आगे आकर के पूछा। उसी तरह की घटना अभी हाईकोर्ट ने का आदेश दिया है मुजफ्फरपुर को, जिस घटना को मैं लगातार, एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं शिवहर में जिसकी भगनी और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उसकी नतनी एमबीए की बेटी ईशा सिंह को एक सोनू नाम का क्रिमिनल उठा करके बेच दिया चतुर्भुज स्थान में। 7 महीने से वो बेटी किस हाल में है अभी तक कोई भी पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं किया। मैं समझता हूँ ऐसे चतुर्भुज स्थान को क्या रहने का राइट है, क्या ऐसे चतुर्भुज स्थान को मिटाने देना चाहिए। जैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री को जब सत स्थापित करने के लिए सुकरात को जहर दिया जा सकता है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री को झूठ के लिए इतने बड़े गंदे 100 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं उसको जहर देने में क्या दिक्कत। यदि वो आत्महत्या नहीं करता है, रिजाइन आप नहीं करते, तो ऐसे मुख्यमंत्री को जिंदा रहने का राइट
इस देश में नहीं होनी चाहिए। और बेटी माँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, बेटी माँ बहन मेरे लिए जिंदगी का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। यदि देश का कोई पीएम और सीएम यह बोलता है ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो ऐसे पीएम सीएम को एक मिनट भी इस देश में पद पर नहीं बने रहना चाहिए, रिजाइन कर लेना चाहिए। तो ईसा सिंह 7 महीने से गायब है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सोनू को छोड़ दिया गया, 2 लड़की को जेल में डाल दिया गया, चतुर्भुज स्थान में उस दोनों लड़की ने कहा कि सोनू ने बेच दिया है, उस पर अभी तक मुजफ्फरपुर की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। मेरा सरकार से कंप्लीट है कि बेटी माँ बहनों और महिलाओं के बारे में एक एसटीएफ अविलंब हिंसा के मामले में जो बेटियों के 3 महीने के अंदर सजा करवाने में फांसी करवाने में न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता है, उस एसपी को 5 साल तक किसी जिला में न रखा जाए, एसटीएफ की जाए, अविलंब ईसा सिंह की रिहाई, एसपीडी ट्रायल करके मिठी सिंह जी जिसका 10 साल की 9 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया फांसी की सजा, अविलंब जो अर्धनग्न नग्न करके जो पीटा गया उसको अविलंब 3 महीने के अंदर सजा, और जो भी बच्ची लगातार शोषण का हिस्सा होती जा रही है इसके लिए एक कठोर कानून। सभी राजनीतिक पार्टी शायद भूल गए दिल्ली की वो निर्भया जिसके लिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी एयरपोर्ट गए थे और उसका वीडियो वायरल हो रहा है, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, और देश के पीएम ने मणिपुर की घटना पर क्या कहा है जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए बिहार में जो बेटियों पर इस बीच लगातार हिंसा बढ़ी है, लगातार पड़ोसी और आम आदमी की नजरें खराब हुई है, इसके लिए एक अविलंब सभी दलों से राय कर, प्रबुद्ध व्यक्ति से राय कर, एक कठोर कानून एसटीएफ अविलंब त्वरित कार्रवाई 3 महीने के अंदर चार्जशीट सजा, ताकि बेटियों की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। तो आपने सुना सीधे तौर पे पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में तमाम जिलों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दलित महिलाओं के साथ, कहीं किसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप की घटनाएं घट रही है ये काफ़ी दुखद है। इसके लेकर के मैं लगातार आईजी डीआईजी से संपर्क करता रहा हूं लेकिन कोई खास जो है जवाब उधर से नहीं दिया जा रहा है और न्याय भी लोगों को नहीं मिल रहा है। एक छोटी सी बच्ची जो 10 साल की बच्ची है मिठू, उसके साथ भी रेप कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके की हैवानियत जो है अब बिहार में देखने को मिल रही है और सरकार पूरी तरह से चुप है, शांत है और अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी के भी दोहरे स्टैंड देखने को मिल रहे हैं, जहां मणिपुर में भी खामोश है और वहां बीजेपी बिहार में काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही है कि यहां ये घटना है वहां वो घटना हो रहा है। तो आखिर मणिपुर में भी बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है? इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।